दोस्तों यार टेंशन मत लेना, पहले मेरा वीडियो देखो। आप हर चीज़ का बड़ा टेंशन लेते हो, बड़े स्ट्रेस में जाते हो, बड़ा एंजाइटी लेवल हाई कर लेते हो। देखो ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स ही नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना आई हो, जिसके पास मुसीबतों के पहाड़ ना टूटे हो। सबके पास मुसीबतें आईं, सबके पास प्रॉब्लम आई, सबके पास परेशानियां आई, सबके पास बड़े बड़े दुख आए। अब दिक्कत क्या है कि हमें सिर्फ अपना दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। हमें लगता है हम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान हैं, हम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी, हम ही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा टेंशन में। ऐसा जरा भी नहीं, हमसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, इतने स्ट्रेस में, इतने टेंशन में, खाने को खाना नहीं लोगों के पास, आंखें नहीं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, चल नहीं पा रहे, हाथ नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता, पास में पैसे नहीं। आप तो मोबाइल पर वीडियो देख रहे हो, तो कम से कम इतने पैसे होते हो कि रोटी खा सकते हो गया। तो बहुत ज़्यादा दुखी लोग हैं यार, इतना टेंशन मत लो ना, मत लो इतना टेंशन, न टेंशन लो न टेंशन दो। हम इस दुनिया में मस्त रहने के लिए और खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये देखो ना, मूड फ्रेश कैसे कर सकते हैं, मस्त कैसे रह सकते हैं। अब मस्त रहने के लिए बुरी आदतों के चक्कर में मत पड़ जाना कि बैड हैबिट्स पाल ली और कुछ गलत काम करने लगे। भाई सर ने बोला था मस्त रहो, तो मस्त रहना यही है, दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम तो दम मारने लगे। नहीं, बिना दम मारे हरे कृष्णा हरे राम बोलो, बड़ा मज़ा आएगा। आप कभी भजन करके देखो, बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अकेले बैठ जाओ ढोलक लेकर या किसी टेबल पर बजाने लगो और भजन गाने लगो, सचमुच बहुत अच्छा लगता है। या भजन सुनने लगो, यूट्यूब पर चला लो भजन और उसके साथ गाने लगो। मैं तो अकेले जब भी रहता हूँ तो एक लाइन भजन की गुनगुनाता रहता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। आप मेरे साथ गाकर देखो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जब आप भाव में डूबकर भजन गाने लगते हो, भजन व्यक्ति को निरोगी रखते हैं, भजन रोगों का सर्वनाश करते हैं, भजन जीवन से नेगेटिविटी हटाते हैं। पहले बहुत कल्चर था, गली मोहल्लों में राम कथाएं होती थी, भगवद गीता का पाठ होता था, लोगों के घर में माता रानी के भजन होते थे और भी भजन गान हुआ करता था। अब वो कल्चर ही खत्म हो गया भाई, गॉड भजन करना ही भूल गए हम, है ना। भजन हमें भगवान के समीप लाता है। तो अगर हो सके तो आप ऐसी व्यवस्था करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करके शाम को भजन करो, कभी आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे, या फिर ट्वाइस इन ए वीक या फिर वंस इन ए वीक औरतें इकट्ठी कर लो, है ना, आपस में अपनी सोसाइटी में कम्युनिटी में भजन करो, रिश्तेदारों को जमा कर लो, आप ही इकट्ठे हो जाओ, जेंट्स इकट्ठे हो जाओ, गार्डन में भजन गाओ, ताली बजा बजा कर। ताली बजाने से कितने फ़ायदे हैं आप यूट्यूब पर देख लेना, तो ताली बजाने के भी लाभ मिलेंगे, भजन के भी लाभ मिलेंगे। मस्त रहने की कला सीखना बहुत ही आसान है, पुराने लोग बड़े मस्त रहा करते थे, और आजकल के लोग मस्त नहीं रहा करते, व्यस्त रहा करते हैं। कहीं भी जाओ, ट्रेन में जाओ, बसेस में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, शादी ब्याह में जाओ, हर आदमी मोबाइल पर गर्दन झुकाए बैठा है, न जाने क्या ढूंढ रहे हो उस मोबाइल में आप। अरे जो सोशल मीडिया की दोस्ती यारी है ना, ये सब नकली है भाई गॉड। जब हकीकत में आप इनसे मिलोगे ना, तो ज़्यादातर लोग तो फ्रॉड और 420 होते हैं इसमें, सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाने वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि सब होते हैं, सब नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर फेसबुक चेहरों की किताब, नकली चेहरे,
नकली चेहरे लगाकर घूमते हैं लोग, फिल्टर पर फिल्टर मारकर घूमते हैं लोग, नाम बदलकर आईडी बना लेते हैं, हजारों फिल्टर लगाकर चेहरा लगा देंगे, दूसरे की फ़ोटो लगा देंगे, नाम पता सब नकली दे देंगे, उनसे दोस्ती करके आप उसमें ज़िंदगी की तलाश कर रहे हो। जो असली आदमी आपके आसपास घूम रहे थे उनसे तो कनेक्ट नहीं हुए, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे जुड़े ही नहीं, उनसे तो बातें ही नहीं करते। पहले ऐसे कल्चर हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, मंदिर में लोग इकट्ठे होते थे, भजन गान करते थे, घरों घरों में कथाएं हुआ करती थीं, भगवत कथाएं होती थीं, राम कथाएं होती थीं, रामचरितमानस का अखंड पाठ चला करता था 8-8, 10-10 दिन, एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था। तो भजन करने की आदत डालो, कोई नहीं मिलता तो अकेले ही करने की आदत डालो, जैसे मैं करता हूँ। आप अपनी मस्ती में आकर भजन करो, यकीन मानो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आप करके तो देखना, तो आप बहुत खुश रहोगे ना, तो आपका टेंशन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लमें भगवान अपने आप ही सॉल्व करने लगेंगे। जो भगवान को सच्चे दिल से याद करता है, ईश्वर उनकी समस्त समस्याएँ समाप्त कर देते हैं, आप मानो या मत मानो, 100% समाप्त कर देते हैं। और मेरे वीडियो लगातार देखते रहो आप। अब आप बोलोगे सर तो बोलते हैं हमेशा मोबाइल में रहते और वीडियो देखने के भी बोल रहे हैं, भाई वीडियो देख लो, अच्छे वीडियो देखोगे तभी तो इंस्पिरेशन मिलेगी। अब ये नहीं कि 24 घंटे नज़र गड़ाए वीडियो ही देख रहे वीडियो ही देख रहे, इतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखो और लाइफ को एंजॉय करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।